हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू छाया लर्निंग सेंटर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। एग्जाम में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, एक नॉमेनक्लेचर से और एक आपका इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को डिस्कस करने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इथेनॉल में आपको फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल और लगा है। और इथेनोइक एसिड में कौन सा है बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड लगा है। तो ये कौन सी फैमिली से, कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो पहले इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। इथेनॉल इथ है तो दो कार्बन आएंगे सी टू, और हाइड्रोजन को कौन सब्सटीट्यूट करेगा, एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है यानी कि ओ एच। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे, सी टू एच फाइव ओ एच। तो ये है इथेनॉल का फॉर्मूला। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, सी टू एच फाइव ओ एच। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इथेनॉल का, अभी सिर्फ पहले हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम इथेनोइक एसिड को डिस्कस करेंगे। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चे 156 केल्विन। ओके, अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे 351 केल्विन। तो ये क्या है इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, इसकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो इथेनॉल कौन सी फैमिली से है, एल्कोहल फैमिली से है। तो ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं। तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर सॉल्युबल है। इसके टेस्ट की बात की जाए तो इसका टेस्ट कैसा होता है, इसका टेस्ट होता है बर्निंग टेस्ट। ठीक है, इसका टेस्ट कैसा होगा बच्चे, बर्निंग टेस्ट। तो ये चार प्रॉपर्टीज किस में आएंगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी, ये इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, सी टू एच फाइव ओ एच। हाइड्रोजन को किसने सब्सटीट्यूट किया, एल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप ने यानी कि ओ एच ने। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 156 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। क्या ये वाटर सॉल्युबल है, यस इट इज सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, इसका टेस्ट कैसा है, बर्निंग टेस्ट है। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया कि कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एल्कोहल फैमिली से। तो अगर डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड हम दो इसमें डिस्कस करते हैं, अगर डाइल्यूट है, डाइल्यूट में यानी कि वाटर आपने उसके अंदर ऐड किया है, अगर डाइल्यूट इथेनॉल को कंज्यूम किया जाए तो उससे क्या होते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको डाइल्यूट नहीं करते, अगर कंसंट्रेटेड यानी आप प्योर फॉर्म में अल्कोहल को कंज्यूम करोगे, आप इनटेक किसकी लेते हो, प्योर अल्कोहल की लेते हो, देन इट इज लिथल टू हेल्थ। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं इसके, नंबर वन डाइल्यूट और नंबर टू कंसंट्रेटेड फॉर्म यानी कि डाइल्यूट फॉर्म में अगर आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हो। तो दोनों की ही क्या है, डिसएडवांटेज है आपके पास, दोनों ही हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। नेक्स्ट, अब इसकी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो यहाँ पे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अब इसकी रिएक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिएक्शन किस तरह से जो इथेनॉल है वो रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले रिएक्शन जो है इसकी, नंबर वन रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ इथेनॉल की रिएक्शन को देखते हैं किस तरह से जो इथेनॉल है सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या रिएक्शन बनेगी बच्चे, सोडियम प्लस इथेनॉल सी टू एच फाइव ओ एच। तो जब ये सोडियम के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा, इन दोनों की रिएक्शन से क्या फॉर्म होगा, सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, सी एच थ्री सी एच टू ओ नेगेटिव और एन ए पॉजिटिव, और साथ में क्या रिलीज होगी यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो ये रिएक्शन किसकी है, इथेनॉल की। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि इथेनॉल किसके साथ रिएक्ट करता है, जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम इथोक्साइड फॉर्म करेगा, एंड साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। दूसरा, अगर यहाँ पे क्या किया जाए, सी टू एच फाइव ओ एच यानी कि इथेनॉल को हीट किया जाए किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपका सी टू एच फाइव ओ एच है, इथेनॉल है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, ये कन्वर्ट हो गया सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, यानी कि क्या बन गया यहाँ पे, ये इथेनॉल से किसमें कन्वर्ट हो गया, इथीन में, सी टू एच फोर डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, एल्कीन फैमिली है, तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ, इथीन में, और साथ में क्या रिलीज हुआ है, क्या फॉर्म हुआ है, एच टू ओ यानी कि वाटर। तो ये रिएक्शन, दो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज अभी हम आगे देखेंगे कि इन दोनों रिएक्शन को कहाँ पे यूज किया जाता है। तो पहली रिएक्शन है आपकी सोडियम इथोक्साइड जिसमें फॉर्म हो रहा है, यानी जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथोक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी। सेकेंड रिएक्शन, जब
क्या किया जाए, इथेनॉल को हीट किया जाए किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, और कितने टेम्परेचर पे, एट 443 केल्विन पे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आप इसको हीट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि ये इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको क्या देती है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पे देती है। उसके बाद यहाँ पे इसका एक रोल पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया ये किस तरह से आपने यूज किया, एज अ कैटलिस्ट आपने यूज किया, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, या एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप यहाँ पे इसको यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आप इसको एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करें, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि साथ में क्या रिलीज हो रहा है, वाटर यहाँ पे रिलीज होगा, वाटर क्या हो रहा है, इथेनॉल से रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। तो ये काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप एनसीईआरटी की छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब पूरी एनसीईआरटी आप अच्छे से कर लो ना, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हो। ओके, कम टू द पॉइंट, तो यहाँ पे ये कैसे एक्ट कर रहा है, इट विल एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इन प्रॉपर्टीज के बाद अब यहाँ पे हम इसके यूज डिस्कस कर लेते हैं कि इथेनॉल को यूज कहाँ पे किया जाता है। तो इथेनॉल को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है सोप कॉस्मेटिक की प्रिपरेशन में, सोप की प्रिपरेशन के लिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए, एल्कोहल बेवरेजेस के लिए, लैब में इसको यूज करते हैं एज अ रिएजेंट, मेडिसिन और टॉनिक्स के अंदर भी इथेनॉल को यूज किया जाता है। तो ये कुछ इसके यूज हैं। तो आपको कंप्लीट आपके प्रिपरेशन इसकी पता होनी चाहिए कि इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, H2SO4 के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, सोडियम इथोक्साइड किस तरह से फॉर्म करता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और इसको कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, सोप कॉस्मेटिक की प्रिपरेशन में, सोप एंड कॉस्मेटिक की प्रिपरेशन में, एल्कोहलिक बेवरेजेस, एल्कोहलिक, एल्कोहल वर्ड जहां पे भी आ गया तो ये क्या है, यहाँ पे इथेनॉल का यूज हो सकता है क्योंकि ये एल्कोहल फैमिली से रिलेट करता है। दूसरा, लैब में इसको एज अ रिएजेंट यूज कर सकते हैं, एज अ रिएजेंट इट इज यूज इन लैब, और कहाँ यूज कर सकते हैं, मेडिसिन और टॉनिक्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है आपका, जैसे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर एल्कोहल को मेडिसिन की तरह लिया जाए छोटा सा सर्दी के टाइम पे, तो वो एक दवाई का काम करते हैं। तो इसी तरह से जो एल्कोहल है यहाँ पे, जो इथेनॉल है, इसको कहाँ यूज किया जा रहा है, इसको मेडिसिन और टॉनिक्स बनाने में भी यूज इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाली हूँ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड बच्चे कौन सी फैमिली से है, यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है ये बिलोंग करता है कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका फॉर्मूला CH3COOH, डन, CH3COOH, डन। तो ये बन गया आपका इथेनोइक एसिड। तो फॉर्मूला आपको यहाँ पे अच्छे से पता हो कि इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, COOH इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली, डन। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चे कितना होता है, सबसे पहले इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन, और कोल्ड क्लाइमेट्स में ये कैसा हो जाता है, ये फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियर वर्ड भी इसके लिए हम यूज करेंगे जो भी फर्दर आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है बच्चे, 290 केल्विन। इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 391 केल्विन। तो ये दोनों इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इसकी बात की जाती है सॉल्युबिलिटी की, जैसे हमने इथेनॉल में बात की है वैसे ही यहाँ पे भी वाटर की सॉल्युबिलिटी की डिस्कस करेंगे। तो ये कैसे है, यहाँ पे ये मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, दीज आर मिसिबल लिक्विड। तो ये क्या है, मिसिबल इन वाटर। दो तरह के लिक्विड होते हैं, कुछ लिक्विड वाटर में मिक्स हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। तो जो नहीं होते वो इमिसिबल हैं, और जो मिक्स हो जाते हैं दे आर मिसिबल, तो मिसिबल इन वाटर। नेक्स्ट इसके टेस्ट की बात की जाए तो इसका टेस्ट कैसा होता है, इसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है बच्चे, सॉर टेस्ट, सॉरिन टेस्ट। इथेनॉल कैसा होता है, बर्निंग टेस्ट, और इथेनोइक एसिड सॉरिन टेस्ट। नेक्स्ट इसको इथेनोइक एसिड को कॉमनली क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। अब अगर इस एसिटिक एसिड को वाटर में मिक्स किया जाए, कितना परसेंट, 5 से 8% अगर एसिटिक एसिड को वाटर में मिक्स किया जाए तो उससे क्या फॉर्म होता है, विनेगर फॉर्म होता है। विनेगर को कहाँ यूज करते हैं, विनेगर को एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स यूज किया जाता है। आप किचन में देख सकते हो, किचन में विनेगर आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो विनेगर की फॉर्मेशन यहाँ से आप देख सकते हो, तो विनेगर कैसे फॉर्म हो रहा है, अगर 5 से 8% आप एसिटिक एसिड वाटर में मिक्स कर दो तो उससे क्या बन जाएगा, आपका विनेगर फॉर्म होता है, आप उसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हो। अब प्योर एसिटिक एसिड को और क्या बोला जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट्स में ये क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया ग्लेशियल एसिटिक एसिड, डन। तो ये थी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज।
नेक्स्ट इसके हम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं इथेनोइक एसिड की। तो सबसे पहले रिएक्शन, जैसे हमने इथेनॉल में सोडियम की रिएक्शन जानी, वैसे ही अब हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन पहले सोडियम के साथ देखते हैं। तो क्या रिएक्शन बनेगी आपकी, CH3COOH रिएक्शन विद सोडियम। तो वहां पे बना था सोडियम इथोक्साइड, यहाँ पे बनेगा सोडियम इथेनोइट, CH3COO और ये आएगा Na और साथ में इवॉल्व होगी आपकी हाइड्रोजन गैस H2। तो ये बन गया आपकी रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम। क्या मिलेगा आपको, सोडियम इथेनोइट, ये क्या है आपका सोडियम इथेनोइट और साथ में इवॉल्व होगी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा आपको, रिएक्शन क्या मिलेगी आपको, सोडियम इथेनोइट और साथ में क्या इवॉल्व होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अगेन क्या मिला आपको, CH3CO Na+CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O। डन, ये थी आपकी सेकेंड रिएक्शन। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, NaHCO3। तो ये यहां से मैं रेस कर रही हूं। नेक्स्ट इज CH3COOH, इसकी रिएक्शन देखनी है हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ NaHCO3। डन, तो यहाँ पे आपको किसकी फॉर्मेशन मिलेगी, अगेन सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम हाइड्रोजन NaSCO3। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, अगेन सोडियम इथेनोइड CH3COONA कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर, सेम रिएक्शन होने वाली है H2O। डन, नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बच्चे इसकी, नेक्स्ट रिएक्शन इथेनॉल, इथेनॉल के साथ किस तरह से रिएक्शन है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इथेनॉल किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस रिएक्शन को ईस्टरफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, ईस्टर्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये देखिए, ये है आपका इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। यहाँ पे लिखे ना एसिड, तो किसकी प्रेजेंस में हम लेंगे यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इससे किसकी फॉर्मेशन होगी, ईस्टर्स की फॉर्मेशन होगी, इसको बोलते हैं ईस्टर। ये लग गया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये है कीटोन, कीटोन फैमिली। ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं आपके, कीटोन में। तो ये क्या फॉर्म हो गए यहाँ पे, ईस्टर, इसको बोलते हैं ईस्टर, और साथ में क्या इवॉल्व हुए, H2O। डन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईस्टरफिकेशन, आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि ईस्टरफिकेशन रिएक्शंस क्या होती है, ईस्टरफिकेशन रिएक्शन में ईस्टर्स फॉर्म होते हैं, और ईस्टर किस तरह से फॉर्म होंगे, जब इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, एसिड कौन सा है, H2SO4। अब यहाँ पे ये जो एसिड है ये क्या काम कर रहा है, एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ये एक कैटलिस्ट का काम करेगा और किसकी फॉर्मेशन होगी आपकी, ईस्टर्स की। ईस्टर्स का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये यहाँ से हट जाएगा, ये हो गया यहाँ पे अटैच इस तरह से, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3, यहाँ से ये, तो आपने यहाँ से ये OH हटा देना है और हाइड्रोजन आपने यहां से ले लेना है, तो ये बन गया आपका वाटर, और दोनों को आपने जोड़ देना है। तो दोनों जब जुड़ गए आपस में, दोनों ने क्या फॉर्म किया आपका, ईस्टर। ईस्टर की स्मेल कैसी होती है, ईस्टर की स्मेल होती है स्वीट स्मेल होती है, तो इसको कहाँ यूज करते हैं, परफ्यूम्स में एज अ फ्लेवरिंग एजेंट ईस्टर्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको इसका यूज भी पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईस्टरफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ईस्टरफिकेशन रिएक्शन जब इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है एसिड की प्रेजेंस में, एसिड क्या काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट यानी रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, ईस्टर की। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इथेनॉल से OH ले लेना है और इथेनोइक एसिड से आपने H ले लेना है, H2O बन गया, और दोनों को आपने कंबाइन कर देना है, तो ये बन गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन
ये प्रेजेंट है यहाँ पे, यहाँ से आपने सी एच टू सी एच थ्री इस तरह से आपने अटैच कर देने हैं, तो ये बन गई आपकी इस्टरफिकेशन रिएक्शन। इस्टरफिकेशन इस्टर्स की स्मेल कैसी होती है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है ये, इनकी जो स्वीट स्मेल है वो स्वीट होती है। इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, परफ्यूम बनाने में इसको यूज करते हैं, और एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी इसको क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी रिएक्शन आती है, एक आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैं बताऊंगी यहाँ पे वाइस वर्सा वाला एरो क्यों लगा रखा है, इसकी बात अभी हम करेंगे। नेक्स्ट आती है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर इसकी रिएक्शन की जाए तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखाई गई है सी एच थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव। ठीक है, ये बन गया आपका, ये क्या है आपका ईस्टर। ईस्टर की रिएक्शन किसके साथ हुई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे क्या मिला आपको अगेन सी टू एच फाइव ओ एच, ये बन गया आपका इथेनॉल, और साथ में क्या मिला आपका सी एच सी सी डबल ओ एन ए सोडियम इथेनोइट, क्या मिल गया आपको सोडियम इथेनोइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट किसके साथ की जाए या इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाए, तो आप ईस्टर को दोबारा से किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको यूज करते हैं सोप बनाने के लिए, सोप की प्रिपरेशन करने के लिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से दो एरो लगा रखे हैं, एक इस तरह से रिएक्शन दिखा रहा है और एक इस तरह से रिएक्शन आपको शो कर रहा है। यानी कि अगर इस तरह रिएक्शन हो रही है, एसिड के साथ आप रिएक्ट करा रहे हो इथेनॉल एसिड, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को, तो क्या बनेंगे आपके ईस्टर। ईस्टर से दोबारा आप किसको में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो और इसमें कन्वर्ट कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो जैसे कि आपको यहाँ पे शो किया गया है। इसलिए यहाँ पे ये वाइस वर्सा वाले ये दो एरो रिएक्शन में दिखाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो रिएक्शन आपने जान ली, नंबर वन इस्टरफिकेशन एंड नंबर टू स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन जिसको हम सोप बनाने के लिए यूज करेंगे, और इस्टरफिकेशन जिसमें ईस्टर यूज होते हैं, ईस्टर प्रोड्यूस होते हैं। ईस्टर की स्मेल कैसी होती है, स्वीट स्मेल होती है, और एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट देयर इज वन मोर रिएक्शन, दैट इज अ रिएक्शन विद अ बेस। तो ये रिएक्शन आपकी सेम है जैसे आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हो, एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और साथ में वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका सी एस सी सी डबल ओ एच इथेनोइक एसिड, इसको रिएक्ट करा है बेस के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या बन गया आपका सोडियम इथेनोइट सी एस सी सी डबल ओ एन ए, और साथ में क्या बना आपका वाटर एच टू ओ। डन, तो ये थी आपकी कुछ रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन किसकी हैं, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आपकी इथेनोइक एसिड की। नेक्स्ट बच्चे ये रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इथेनोइक एसिड प्लस Na2CO3 क्या बना आपका सोडियम इथेनोइड H2O प्लस CO2। तो ये सारी रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज हम आपकी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस केमिकल प्रॉपर्टीज में स्पॉनिफिकेशन इस्टरफिकेशन गांठ मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्स कहाँ पे यूज करते हैं तो आपको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन बना के पूछेंगे, और आपको क्वेश्चन को समझना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल रिएक्ट कर रही है किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बने ईस्टर। ईस्टर से दोबारा क्या बनाने हैं आपको, एल्कोहल बनाना है और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करना है, तो आप कौन सी रिएक्शन करोगे, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके रिएक्शन परफॉर्म करोगे, तो आपके जो ईस्टर है वो दोबारा से एल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको पहचाननी है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो आज इतना ही, आज हमने जानी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, आप इसको किस तरह से यूज कर रहे हो, इनके यूजेस आपने जाने। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आप टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड में आपके एनसीईआरटी में से ही होते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आपसे पूछा जाता। ठीक है, तो लाइन टू लाइन अच्छे से इसको पढ़ो, हर लाइन को हर वर्ड को समझो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।